हेलो गाइज यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप अपनी वीडियोस का कलर कैसे चेंज कर सकते हो जी हाँ गाइज़ अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो तो आपको कलर के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वीडियो सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए ये आप देख रखते हो एक क्लिप है ये मैंने ओपन कैमरा से शूट करी हुई है और ये आप आफ्टर वाला देख रहे हो ये मैंने एक ऐप से जो कि काइन मास्टर से एडजस्टमेंट करा है जी हाँ गई यही आज की इस वीडियो में बताएंगे अगर आप एक कम लाइट में मतलब लो बिना सेटअप लाइटिंग सेटअप के वीडियो बनाते हो तो आपको लाइट ये वाली सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो वही आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपनी वीडियोस का मतलब कि कलरिंग कैसे कर सकते हो एकदम परफेक्ट और एकदम प्रोफेशनल आपकी वीडियो लगेगी तो बने रहो वीडियो में एंड तक कैसे करना है आपको कैसे वीडियो एडिट करना है कैसे ये सेटिंग को इनेबल करना है बताएंगे स्टेप बाई स्टेप उससे पहले गए अगर आपने वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक ना करो तो रिक्वेस्ट है यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना अब बात करते हैं ये आपको कैसे करना है तो इसके लिए आपको एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन तो जरूर डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है गाइस काइन मास्टर ज्यादातर लोगों के पास होगा ही क्योंकि अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो तो आपको काइन मास्टर होगा हो ही होगा अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या फिर आप, आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है टैक्स बॉय समीर तो वहां पर आप मुझे डीएम कर देना वहां पर मैं आपको काइन मास्टर सेंड कर दूंगा अब चलते हैं काइन मास्टर में वहां पर आपको चल के स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको ये कैसे करना तो चलिए चलते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या फिर आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम करने पर आप मुझे डीएम कर देना वहां पर मैं आपको सेंड कर दूंगा उसके बाद जैसे मैं कोई भी एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको बताने के लिए तो जैसे कि मैं ओपन कैमरा से शूट करी हुई वीडियो को एक सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो कि ये मैंने वीडियो है आउटडोर में शूट करी है तब जाके इतनी अच्छी क्वालिटी आई है फिर भी अभी इसमें कलर एडजस्टमेंट नहीं है तो चलिए मैं अभी इसमें आपको कलर एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ तो चलिए मैं इसका एक डुप्लीकेट पार्ट बना लेता हूँ उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर आप अगर वीडियो शूट करते हो तो चलिए मैं आपको एक अपनी एक और वीडियो दिखा देता हूँ जो कि मैंने एक मतलब कि कमरे में शूट करी है। और ये वाली वीडियो तो फिर भी आपकी क्वालिटी अच्छी है एक मैं वीडियो आपको और ले, ले लेता हूँ आपको दिखाता हूँ ये वाली वीडियो मैंने कहाँ शूट करी ये वाली वीडियो मैंने एक रूम में सूट करिए जो कि आप इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो ये मैंने आउटडोर में सूट करी है तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है अब मैं आपको इसी की आपको मतलब कि एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ अच्छे से कलर जो कि आपको बहुत ही करना जरूरी होता है ऐसे आपकी वीडियो एकदम फीकी फीकी से लगती है अच्छी सी नहीं लगती है ऐसे लगता है मरा मरा कलर टाइप का लगता है अभी मैं आपको एकदम बढ़िया कलर कैलिंग करके दिखाने वाला हूँ तो आपको जाना है काइन मास्टर में इसी की वीडियो के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि होता है एडजस्टमेंट का जी अगर जैसे आप यहाँ पर एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जीरो जीरो होता है तो यहाँ पर अगर आप आउटडोर में वीडियो नहीं मतलब नहीं शूट करते हो रूम वगैरह में वीडियो शूट करते हो तो आपको ब्राइटनेस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो वरना मेरी अभी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने वीडियो ये मतलब आउटडोर में शूट करी है उसके बाद आपको बीच वाला एक ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि इससे क्या होता है आपकी वीडियो के ऊपर ज़्यादा मतलब आपका जो फेस होता है इसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होता है तो अभी आप देख सकते हो ये जीरो जीरो है मतलब फीका फीका सा कलर लग रहा है अब मैं जैसे इसको बढ़ाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि इस लेफ्ट साइड और राइट साइड का है जो कि थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है और ये जो मेरा फोकस है ये टोटल फेस पे जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो एक बार फिर से और आप एक बार फिर से देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको रखना है पचास के ऊपर जी गाइस आपको फुल भी नहीं कर देना इससे आपका ख़राब हो जाएगा तो आप यहाँ पे रख सकते हो पचास के ऊपर और साठ के नीचे मतलब पच... अट्ठावन उनसठ आप यहाँ पे रख सकते हो तो जैसे मैंने यहाँ पे छप्पन रख दिया फिफ्टी सिक्स ठीक है तो यहाँ पे आपको ज... इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन मिलता है जो कि थर्ड वाला होता है उसको उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना रहता है जी हाँ गैस तो उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना है यहाँ पे आप इसको भी 50 के ऊपर ही रखना तो ज़्यादा अच्छी आपका रहेगा तो 50 के ऊपर मैं कर लेता हूँ एक बार तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50 के ऊपर मतलब इक्यावन बावन टाइप का इसका रहना चाहिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वीडियो क्वालिटी ऐसा लगता है इसमें रिंग लाइट लगा दी गई है इस वीडियो शूटिंग करने में और आप ये वाली वीडियो देख सकते हो एकदम फीकी फीकी सी और आप ये वाली वीडियो देख सकते हो देख सकते हो कितना डिफरेंट आ गया और कितनी अच्छी वीडियो की क्वालिटी हो गई है जी अगर यही आप लोग करना भूल जाते हो तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से खाता तो हूँ आप ये वाला देख सकते हो पार्ट यहीं का है इसी वीडियो को मैंने डुप्लिकेट करा था और आप यहाँ पे ये देख सकते हो एकदम यहाँ पे आप देख सकते हो ये देख सकते हो कितना डिफरेंट आ गया है गाइज कितना डिफरेंट आ गया अब यहाँ पर देख सकते हो एकदम फीका फीका कलर हो गया है और इस वीडियो को आप देख सकते हो जैसे नहीं रिंग लाइट है अगर ये तो मेरी मतलब ओरिजिनल वीडियो थी ये काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी थी इसकी आउटडोर में शूट करी अगर आप लोग रूम में शूट करते हो तो आपको ये जो फ़ीचर्स मैंने आज की इस वीडियो में बताया इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है जी हाँ गाइज़ तो इसी बारे मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए तो गाइज़ मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो यार आपको पता ही है क्या करना है और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय गाइस अगर हाँ इंस्टाग्राम पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय